जब सब प्राइवेट ही करना है तो टैक्स क्यों लेते हो भाई? सुनने में आया है कि बीजेपी सरकार रेल के बाद बिजली का भी निजीकरण करने जा रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार देश के विकास के नाम पर निजीकरण करने पर तुली हुई है, देश को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है, जिसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आम जनता एक बार फिर से बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएगी। वहीं खुद को फकीर कहने वाले पीएम मोदी झोला उठाकर दुनिया की सैर करने निकल जाएंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में जितनी तेजी से सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, जल्द ही ऐसा समय आने वाला है जब देश का गरीब तबका गरीबी और भुखमरी से मरने को मजबूर हो जाएगा। समझने की बात यह है कि सरकारी संस्थानों का जब निजीकरण हो जाएगा तो पूंजीपतियों की ही मनमानी चलेगी। संवैधानिक तौर पर हमें मिले अधिकारों का तो गला घोंट दिया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में आरटीआई के हवाले से पता चला है कि सरकार कुल 26 कंपनियों के निजीकरण की तैयारी में है। विपक्षी पार्टियों द्वारा भाजपा सरकार पर निजीकरण की आड़ में रोजगार खत्म करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रहे हैं। रेलवे का निजीकरण, विमानन क्षेत्र का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण और अब बारी है बीमा सेक्टर के निजीकरण की। जी हाँ, अब सरकार ने निजीकरण के लिए बीमा सेक्टर पर ही अपनी नजर गड़ा ली है। रेलवे तो लगभग सरकार ने अपने से दूर ही कर दिया है। निजी ट्रेनों के संचालन की योजना के साथ ही सरकार स्टेशनों का प्रबंधन भी निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी में है। यही नहीं, एनर्जी सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा सकता है। फिलहाल देश की दूसरे सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 52% से ज्यादा हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया में है। ये आंकड़े सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का दावा करने वाले पीएम मोदी ने कैसे सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब कहा जा सकता है कि सरकार केवल सत्ता की मलाई चखने के लिए है, जबकि सब कुछ तो निजी हाथों में है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। घर को बना दिया बाजार है, ये बेशरम भाजपा सरकार है।